स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक है लॉर्ड वेलेस्ली और सहायक गठबंधन के ऊपर, उसकी जो नीति थी जिसे हम इंग्लिश में सब्सिडियरी अलायंस बोलते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल के रूप में 1798 में एक ऐसे समय में भारत आए थे जब अंग्रेज पूरी दुनिया में फ्रांस के साथ जीवन और मृत्यु के संघर्ष में उलझे हुए थे। लॉर्ड वेलेस्ली ने निर्णय लिया कि ब्रिटिश नियंत्रण के तहत अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को लाने का समय आ गया है। 1797 तक दो सबसे मजबूत भारतीय शक्तियाँ मैसूर और मराठों की सत्ता में गिरावट आई थी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के ने मैसूर की हाल की महानता की छाया मात्र बना दिया था और मराठा आपसी साजिशों और युद्धों में अपनी ताकत को खत्म कर रहे थे। विस्तार की नीति के लिए भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल थी। आक्रमकता आसान होने के साथ साथ लाभदायक भी थी। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे इंग्लिश में हिंदी में थोड़ी दिक्कत होती है। सहायक गठबंधन मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी, जिसके कारण भारतीय राज्यों ने अपनी संप्रभुता को अंग्रेजों से खो दिया। यह भी एक प्रमुख प्रक्रिया थी जिसके कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माण हुआ। इसे 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार किया गया था। यह वास्तव में पहली बार फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्लेक्स द्वारा उपयोग किया गया था। अवध के नवाब बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन वाले करने वाले पहले शासक थे। हालांकि हैदराबाद के निज़ाम भी सबसे पहले एक अच्छी तरह से तैयार सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था। तो हम देख सकते हैं कि सहायक गठबंधन को स्वीकार करने वाला सबसे पहला जो प्लेस था वो अवध था, उसके बाद हैदराबाद ने भी किया था। इसके बाद आता है सहायक गठबंधन सौदे की विशेषताएँ। तो भारत में सहायक गठबंधन की योजना लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बनाई गई थी, लेकिन ये शब्द फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स द्वारा पेश किया गया था। अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन में प्रवेश करने वाले एक भारतीय शासक को अपने स्वयं के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ा और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ा। उन्हें ब्रिटिश सेना के भरण पोषण के लिए भी भुगतान करना पड़ता था। यदि वह भुगतान करने में विफल रहता है तो उसके क्षेत्र का एक हिस्सा छीन लिया जाएगा और अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। बदले में ब्रिटिश किसी भी विदेशी हमले का आंतरिक विद्रोह के खिलाफ भारतीय राज्य की रक्षा करेंगे। अंग्रेजों ने भारतीय राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया, लेकिन इसे शायद भी कभी नहीं रखा गया। भारतीय राज्य किसी भी अन्य विदेशी शक्ति के साथ गठबंधन में प्रवेश नहीं कर सका। वो अपनी सेवा में अंग्रेजों के अलावा किसी अन्य विदेशी नागरिक को भी नियुक्त नहीं कर सकता था, और अगर वो किसी को नियुक्त कर रहे थे तो गठबंधन पर हस्ताक्षर करने पर उन्हें अपनी सेवा से समाप्त करना पड़ा। इसका उद्देश्य फ्रांसीसियों के प्रभाव को कम करना था। तो हम देख सकते हैं किसी क्या क्या विशेषताएं थी। चलिए और भी कुछ विशेषताएं इसके देख लें। राज्य भी ब्रिटिश अनुमोदन के बिना किसी अन्य भारतीय राज्य के साथ किसी भी राजनीतिक संबंध में प्रवेश नहीं कर सकता था। इस प्रकार भारतीय शासक ने विदेशी मामलों और सेना के संबंध में सभी शक्तियों को खो दिया। उन्होंने वस्तुतः अपनी सारी स्वतंत्रता खो दी और एक ब्रिटिश संरक्षक बन गए। एक ब्रिटिश रेजिडेंट को भी भारतीय दरबार में तैनात किया गया था। सहायक गठबंधन के प्रभाव क्या क्या थे? भारतीय शासकों द्वारा अपनी सेनाओं को भंग करने के परिणाम स्वरूप बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। कई भारतीय राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी और धीरे धीरे भारत के अधिकांश हिस्से ब्रिटिश नियंत्रण में आ रहे थे। हैदराबाद के निजाम के सबसे पहले 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया था। लॉर्ड क्लाइव ने भी अवध में सहायक प्रणाली की शुरुआत की और इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जहाँ अंग्रेजों ने मराठों जैसे दुश्मनों से अवध क्षेत्र का वादा किया। तो गाइस हम देख सकते हैं पहला हैदराबाद के निजाम ने 1798 में सहायक संधि स्वीकार किया था। तो आपको क्वेश्चन अगर पूछ ले तो उससे गड़बड़ाना मत, हैदराबाद के निजाम की नाम लिखना 1798 में। आई होप गाइस कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो। अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियोज़ को लाइक कर दो, और PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और मैं जानती हूँ मैं थोड़ा लेट हूँ, बट क्या करूँ, मेरा भी तो एग्ज़ाम है ना, तो कोई ना, सॉरी। अच्छा, थैंक यू।